हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूं। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को इस ब्लॉग में क्या देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज है मेरे न्यू घर की गृह प्रवेश, तो आज हम लोग वहीं पर आए हुए हैं। तो ये है मेरा नया घर और आज इसका गृह प्रवेश है। तो यहाँ पे हम लोग कल ही आए हैं और आज पूजा है। तो यहाँ पे पंडित जी सारी तैयारियाँ कर चुके हैं पूजा की। तो अब यहाँ पे पंडित जी पूजा करेंगे गृह प्रवेश की। तो यहाँ पे पूजा हो रही है और फिर अभी गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चौकी रखी हुई है और उस पर पंडित जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सजाया है। तो यहाँ पे 6-7 अनाज होता है जो उससे सजाया गया है चौके को। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है पंडित जी को करने में। तो अभी पूजा हो रही है और ये पूजा काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगी। तो यहाँ पे गृह प्रवेश की पूजा होने के बाद फिर सत्यनारायण स्वामी की पूजा होगी। तो अभी यहाँ पे सत्यनारायण स्वामी की पूजा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे मैं भी साथ में बैठी हूँ पूजा पे। तो अभी मेरे घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मेरे ससुराल वालों की तरफ से और मायके वालों की तरफ से, बट यहाँ पे कोई नहीं है। वो लोग दूसरे रूम में हैं और बाहर में बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और फिर यहाँ पे फ़ैन भी नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत सारे दीपक जल रहे थे तो वो दीपक बुझ जाती इस वजह से। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं सबका वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि ससुराल से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता सबके पास जाकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ तो मैं अपनी बहन को दी थी रिकॉर्ड करने, तो वही थोड़ा सा वीडियो शूट की है। पूरा वीडियो नहीं बन पाया गृह प्रवेश का क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं सब जगह जाकर रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती थी। तो मैं किसी को देती थी अपनी बहन को फ़ोन, तो वही थोड़ा थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड की है, तो मैं उसी का ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और आप लोग देख सकते हैं ये जो रूम है पूरा फैला हुआ है, पूजा का सामान पूरा रूम में बिखरा पड़ा है। तो अभी यहाँ पे 1 इंच की भी जगह नहीं है किसी को बैठने के लिए, तो इस वजह से सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग परेशान थे गर्मी से और हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे गर्मी से क्योंकि पूजा काफ़ी देर तक चली थी, सुबह से लेकर शाम तक हो गई, शाम हो गई थी पूजा करते करते। और फिर यहाँ पे फ़ैन भी नहीं चल रहा था और ऊपर से फास्ट भी था हम लोग का, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और पूजा करते करते 5-6 बज गया था इस वजह से। तो मैं घर का भी पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस वजह से। तो कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं पूरे घर का वीडियो शूट करके उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी, होम टूर करूँगी एक बार। तो अभी यहाँ पे पूजा हो रही है और फिर पूजा करने के बाद आरती वगैरह होगी, हवन होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर पूजा समाप्त हो जाएगी। फिर रात में अभी तो बहुत ही कम ही लोग आए हैं, गांव से आए हैं सब लोग और फिर लेडीज़ लोग ही आए हुए हैं। फिर रात में सब लोग आएंगे और फिर खाना खिलाया जाएगा। तो रात में होता है गृह प्रवेश के बाद सबको खाना खिलाया जाता है, तो उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बाहर में टेंट वगैरह बना हुआ था तो वहीं पे सब लोग खा रहे थे, तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि ससुराल से इतने सारे लोग आए हुए थे कि मैं सबके पास जा ही नहीं सकती थी, इस वजह से वीडियो नहीं शूट हो पाया। तो ये सारी वीडियो तो घर की है, तो मेरी बहन शूट कर दी थी थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसका ब्लॉग बनाई थी। तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस पूजा का ही विधि विधान जो है वो देखने को मिलेगा। तो पंडित जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे थे पूजा करने में। उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा होने के बाद हम लोग एक मंदिर है शंकर जी का, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ भी पूजा होगा, तो उसका भी वीडियो नहीं बन पाया। तो वहाँ भी पूजा करने में टाइम लग जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
तो बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रही थी, सब लोग गीत गा रही थी लेडीज़ लोग, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है इस वजह से। तो अभी यहाँ पे अपन सब पूजा लास्ट ही होने वाली है, तो यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद मंदिर जाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर जब वहाँ से आएंगे तो फिर यहाँ पे किचन में भी पूजा होता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं किचन में और ये है मेरा किचन। तो फिर पूजा होने के बाद फिर किचन में भी फर्स्ट टाइम जो गैस चूल्हा होता है उसका भी पूजा होता है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, पहले तो जब होती थी गृह प्रवेश तो मिट्टी के चूल्हा पे कुछ पूजा पाठ होता था, बट अभी मिट्टी का चूल्हा रहता नहीं है तो गैस पे ही पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर इस गैस पे कुछ अभी मीठा ही बनेगा फर्स्ट टाइम, तो जो मीठा बनेगा तो अभी मैं यहाँ पे खीर बनाऊँगी और फिर उसको सबको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही थी, तो फर्स्ट टाइम जब कुछ किचन में बनता है तो मीठा ही बनाया जाता है, तो इस वजह से खीर बना रही थी मैं यहाँ पे। तो जब खीर बन जाएगी उसके बाद फिर पूजा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा किचन, और किचन बिल्कुल फैला पड़ा है, सब जगह सब सारा सामान जहाँ तहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग कल ही आए थे तो कुछ भी सेट नहीं हो पाया अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं सब सामान जैसे तैसे रखा हुआ है। तो पूजा ख़त्म जब हो जाएगी, सब लोग जब घर से चले जाएंगे तो इसको अच्छे से सेट किया जाएगा किचन को। तो अभी सब कुछ जैसे तैसे रखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे बाहर यहाँ पे ये लोग सारे जो हैं मेरे ससुराल से आए हुए हैं और दादी लोग हैं सब, तो ये सब अभी डांस कर रही है। तो यहाँ पे सब लोग गीत गा रही है और डांस कर रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आएँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ही दबाएँ ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।